किस विषय पर है? द वॉइस न्यूज़ को 3 साल पूरे हुए और 3 साल पूरे होने की खुशी में हमने अब तक ये कोई भी एक ऐसा इवेंट नहीं करवाया था, तो द वॉइस न्यूज़ फेस्टिवल और बिजनेस एक्सपो के नाम से हमने एक ऑर्गेनाइज किया है बिजनेस एग्जीबिशन, जिसकी खास बात यह है कि अब तक के भिवंडी के अंदर कोई ऐसा मल्टी बिजनेस एग्जीबिशन नहीं हुआ है। प्रॉपर्टी एग्जीबिशन हुए हैं पहले, लेकिन बिजनेस एग्जीबिशन के तौर पर के बाकी और भी बिजनेस को हम लोग जो है यहाँ पर इन्वाइट करेंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पर लोग आके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकें। और इसके इस एग्जीबिशन में, इस फेस्टिवल की खास बात यह है कि बिजनेस के साथ साथ में हमने कई सारे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किए हैं, जैसे कि मेहंदी कॉम्पिटिशन है, लाइव स्केच कॉम्पिटिशन है, केक मेकिंग कॉम्पिटिशन है और क्विज कॉम्पिटिशन, तो साथ साथ में ब्राइडल मेकअप कॉम्पिटिशन, तो ऐसे कुछ कॉम्पिटिशन भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए ताकि लोगों को हम जोड़ सकें, कुछ एक नया टैलेंट को हमें प्रमोट कर सकें और शॉपिंग वगैरह रहेगी, शॉपिंग पवेलियन रहेगा। जी, इस तरह से आपने कहा कि मतलब इसमें तरह तरह के बिजनेस को मतलब आप लोग ऑपरेशन दे रहे हो, तो बिजनेस के हिसाब से इसमें क्या क्या है मतलब बताएंगे इसके बारे में, स्टॉल की तरह माध्यम? जी हाँ, हम लोग जो है स्टॉल्स दे रहे हैं, तो हम लोगों ने खास करके इन्वाइट किया जो डेवलपर्स है, फिर बाद में ऑटोमोबाइल के, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी चल रही है भिवंडी के अंदर, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है तो इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, फिर सोलर एनर्जी है, सोलर पावर है, कई सारे एजुकेशन कॉन्सेप्ट नए नए आए हैं भिवंडी के अंदर, ओवरसीज एजुकेशन है, फिर नई नई स्कूल्स आई है जिनके स्टडीज का जो पैटर्न है वो काफ़ी डिफरेंट है, तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया और ऐसे लोग जो है इस एग्जीबिशन का पार्ट बनने के लिए जा रहे हैं। ये 17 और 18 दिसंबर को होगा रिजवान नबू ग्राउंड में, मामू भंजा ग्राउंड जिसको बोलते हैं, दरगाह के लगकर जो है रिजवान नबू मिलत नगर में, तो 17 और 18 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से लेके शाम के रात के 10 बजे तक के ये रहेगा, दोनों दिन जो है ये रहेगा। तो इसमें अगर स्टॉल अगर किसी को चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो लोग किस तरह से आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं? देखो, स्टॉल के हम लोगों ने ना 2 सेक्शन बनाए, एक बिजनेस पवेलियन हमने बनाया, एक शॉपिंग पवेलियन बनाया, जिसके चार्जेस अलग अलग है, डिफरेंट है, और ये अगर आप स्क्रीन पे दिया हुआ जो नंबर है मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ कि जो आप इस नंबर पे अगर कॉन्टेक्ट करोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, नंबर है 9527865240, इस नंबर पे अगर आप कॉल करोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि बिजनेस पवेलियन का क्या है, बाकी के ब्रांडिंग्स वगैरह भी हम लोग करने वाले, लेकिन हमारा मेन पर्पस यही है कि भिवंडी के अंदर इस तरह के बिजनेस एग्जीबिशन जो है उनको बढ़ावा मिले, कि लोग आके अपने बिजनेस को आपके सामने पेश करें, और हम पब्लिक से भी उम्मीद करेंगे और अपील करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आइए, क्योंकि एंट्री पूरी फ्री है, यहाँ पे आके एक एक्सपीरियंस लीजिए कि किस तरह का बिजनेस एग्जीबिशन होता है, साथ साथ में बहुत सारे अट्रैक्शंस है पब्लिक को, मतलब जो वॉकिंग जो आएंगे यहाँ पे, पब्लिक जो आएगी विजिटर्स, उनके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी नए कॉम्पिटिशन्स गेम्स वगैरह रखा हुआ है, तो एक तरह का एक अलग माहौल हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चीज़ें वहाँ पर कराएंगे? जी, हमने फायर डिपार्टमेंट को इसका एक एप्लीकेशन दिया है कि हम लोगों का प्रोग्राम हो रहा है, तो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ सुरक्षा रहेगी, साथ में हम लोगों ने वहाँ पे एक थ्रू आउट द इवेंट वहाँ पे एक एम्बुलेंस खड़ा रहेगा, राउंड द क्लॉक एक एम्बुलेंस रहेगा, और हम लोगों ने बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी अपॉइंट किए हैं, ताकि हर तरीके की, सिर्फ फायर सेफ्टीज नहीं बाकी की चीज़ों पे भी सुरक्षा, जैसे कि चोर वगैरह से भी जो है बचने के लिए हमने सारा इंतजाम किया हुआ है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या पर्पस रहेगा? स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो कुछ पर्पस नहीं रहेगा, नहीं मतलब जैसे कॉम्पिटिशन बोलो, हाँ स्पोर्ट्स में जी किस तरह का मतलब लोगों को चार्जेस है या किस तरह का मतलब लोगों को वहाँ पे सहयोग मिलेगा? जी, हम लोगों ने कंपटीशन रखा है, जैसे कि मेहंदी कंपटीशन है, फिर केक मेकिंग कंपटीशन है, ब्राइडल मेकअप कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन और लाइव स्केच कंपटीशन, तो इसके हम लोगों ने कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस रखे, नॉमिनल है 300 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन है और ब्राइडल का 500 जो है रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, लेकिन इसके एवज में जो है हम लोग उनको एक बहुत ज़्यादा कहेंगे कि एक नया इन्वायरमेंट देंगे, साथ साथ में बहुत सारी लर्निंग होगी, क्योंकि जो हमारे जजेस रहेंगे सारे प्रोफेशनल्स रहेंगे, और प्राइजेस भी काफ़ी प्राइजेस नहीं, वो सरप्राइज रहेगा सबके लिए कि इस तरह के जो है हम लोग प्राइजेस देंगे। तो इस योजना में मतलब जो आप लोग जो आयोजन किए इस कार्यक्रम में और कोई भाग लिया फिर? जी, हम लोगों के साथ में जैसे कि द वॉइस न्यूज़ के साथ में सपोर्टिंग पार्टनर जो है सॉल्यूशन प्रिंट है, खालिद भाई उसके होल एंड सोल है, करता धरता सॉल्यूशन प्रिंट, इसके साथ साथ में हमारे जो मेन स्पॉन्सर है वो आधुनिक कंस्ट्रक्शन कर गए, फिर बाद में हमारे पास में को स्पॉन्सर के तौर पर जेडलो है, एब्सोल्यूट है, सेंट्रल पब्लिक स्कूल है, काफ़ी लोग जो है वो हमारे को स्पॉन्सर में भी है। जी, तो
क्या मतलब क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं कुछ दिन बचा हुआ है जी जी, मैं लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि ये भिवंडी के अंदर पहली बार इस तरह का माहौल और इस तरह का एक इवेंट होने जा रहा है, तो आप सबसे अपील है कि आप लोग एक बार आइए, एक नए चीज का, एक नए फेस्टिवल का आप लोग एक्सपीरियंस लीजिए। और साथ ही साथ में आपको मैं सबसे कहूंगा कि आप जब आओगे तो मैं इतना अश्योर करता हूँ कि आप लोग निराश होकर नहीं जाओगे यहाँ से। इसमें कुछ एज गाइडलाइन है, जैसे एज है, जेंडर, लेडीज जेंट्स सब आ सकते हैं इसमें? जी, इसके अंदर कोई भी एज लिमिट नहीं है, ना ही जेंडर लिमिट है। लेडीज जेंट्स और हर रिलीजन का, हर कास्ट का आदमी यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे किसी भी तरह की बंदिश नहीं है। और एक खास बात की यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, कोई भी आ सकता है, फ्री एंट्री है सभी के लिए। मतलब भिवंडी शहर के लिए एक नया एक्सपीरियंस होने जी बिल्कुल बिल्कुल भिवंडी शहर के लिए एक नया एक्सपीरियंस होने जा रहा है। लेकिन ये भिवंडी शहर वासियों के हाथ में है कि इसे आप लोग कितना सक्सेस बनाते हैं। हम तो हमारा 100% देंगे, लेकिन ये आप लोगों के हाथ में कि आप इसे कितना सक्सेसफुल बनाते हैं।